श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम सेकेंड चैप्टर, सॉरी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 70 और उसके आगे। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। वन सेकेंड ध्यान से। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। यस, कोई पढ़ेगा? यस रोहिणी नंदन प्रभु जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण जी नाम दंडवत प्रणाम। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरी हरी, बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट गौतम हरे बुद्ध फ्रोज। कृष्ण आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रवसन्ति यत् तदत्कामायम् प्रवसन्ति सर्व स शान्ति आवाप्नोति न कामकामी। यस, ललिता प्रिया सखी मैया, दंडक हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई इच्छुक है? ओके। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर, जिसका शीर्षक है गीता का सार, श्लोक संख्या 70 और उसके आगे। शब्दार्थ आपूर्यमाणं नित्य परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक समुद्रम, समुद्र में आपह नदियां प्रविशंती प्रवेश करती हैं। यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामः इच्छाएं यम जिसमें प्रविशंति प्रवेश करती हैं, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति शांतिम शांति आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया वह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी इसको ऐसा समझिए, जब बाढ़ आती है, नदियों में उफान आती है, नदियों का स्तर बढ़ जाता है, हर नदी का एक लक्ष्य कि मैं सागर से जाकर मिलूं, हर नदी का एक लक्ष्य कि मैं सागर से जाकर मिलूं। तो सागर की भी इच्छा होती होगी नदियों से मिलने की? नहीं, सागर बरसात के समय जब जल का स्तर बढ़ता है नदियों के अंदर, वे जाकर मिलती भी हैं, तब भी सागर उतना ही शांत बना रहता है, उसके जल का स्तर उतना ही बना रहता है, उतनी ही शांति उसमें दिखाई देती है। श्रील प्रभुपाद और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने इसी उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, बरसात में जब अधिकाधिक जल भरता है तब भी सागर स्थिर रहता है, न तो विक्षुब्ध होता और न तट की सीमा का उल्लंघन करता, ऐसा ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, अथवा
ऐसी चेतना कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है, दोनों एक साथ। अब इसको ऐसा समझिए, मनुष्य शरीर है, इस शरीर के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना उठेगी उठेगी, इन इंद्रियों को नदी मान लीजिए और स्वयं के मन को सागर मान लीजिए। मिलती कहाँ है ये इंद्रियां? मन के पास जाकर। तो इंद्रियों के मांगों को बढ़ने दीजिए, लेकिन यदि आप उससे विचलित होते हैं तो फिर यह संयम अच्छा नहीं एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रियों के क्षुब्ध होने पर भी स्वयं को क्षुब्ध नहीं होने देता, स्वयं उससे परेशान नहीं होता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। शरणागति के 6 लक्षण हैं, जिसमें पहला लक्षण विनम्रता आता है। अंतिम लक्षण आता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। मैं बाकी लक्षणों की तरफ नहीं जाऊंगा, यह अंतिम लक्षण है ना, क्या कि मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। इस बात का भरोसा होना चाहिए। इस बात का भरोसा किसे होगा? वह व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति शरणागत होगा। अतः एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परेशान नहीं होता, वह भगवान पर फुली डिपेंडेंट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान के परम मित्र सुदामा। उन्हें भगवान के पास, वो तो माता सुशीला ने उन्हें जबरदस्ती भगवान के पास भेजा। वहां भी जाकर बेचारे संकोच और शर्म से कुछ न कह सके, तो भगवान थे जिन्हें सब कुछ समझ में आता है। तो इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की तुलना सागर से की गई है, जो अपने आप में पूर्ण होता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक भक्त जो कृष्ण भावना भावित है, ऐसा भक्त उसे इच्छाएं नहीं आती होंगी। नदियों का तो काम है ही आना जाना, सागर का काम है स्थिर बने रहना। इसलिए इन इंद्रियों की इच्छाओं के प्रबल होने के बाद भी एक कृष्ण भावना भावित वाला व्यक्ति तनिक भी उद्विग्न नहीं होता। रंच मात्र के लिए भी वह विचलित नहीं होता। कभी कभी, अब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि हम इसी समाज में रहते हैं, चीजों को देखकर कई बार मन ललच भी जाता है। तो व्यक्ति ऐसे समय में जब उसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं रहती, तो तुरंत भागता है, बोले वहां चला जाए जहां पर इसका रोकथाम हो सकता है। तुरंत वह वैष्णवों के संग में आ जाता है ताकि गलत करने से बच जाए। हाँ, कई बार इंद्रियों की मांग बढ़ सकती है, स्वयं से कंट्रोल न हो। इन जनरल हम खाना खाते हैं और उस खाने को हमारा पेट स्वतः ही पचा देता है। स्वतः ही मतलब ये मैकेनिज्म ही ऐसा है, खाना खाना है, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम पेट का। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पेट
नहीं उसे ठीक कर पाता, नहीं पचा पाता, तब क्या होता है? तब क्या करते हैं? तब जब पेट कुछ न कर पाता हो, तब हम एक एक्सटर्नल सपोर्ट लेते हैं जिसको डॉक्टर कहते हैं। तो हमारे भक्तिमय जीवन में भी डॉक्टर होते हैं। कौन? हमारे मेंटर, हमारे काउंसलर, हमारे फैसिलिटेटर, हमारे केयर टेकर, अथवा वो सारे वैष्णव जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं, जिनके संग में रहकर हम अपने भक्ति को सेक करते हैं। तो इसलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, उससे दूर जाता, उसकी तरफ नहीं जाता। कहाँ जाता है? उससे दूर जाता है। और इच्छाएं प्रबल होती हैं तो सपोर्ट ले लेता है किनका? वैष्णवों का, अपने गुरुओं का। चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। अच्छा, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति को बोले आपको मुक्ति चाहिए, बोले हाँ मुक्ति तो चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब हर व्यक्ति परम शांति तो चाहता है, शब्द मुक्ति ना हो, परम शांति, तो बोले हाँ शांति तो चाहिए ना। और एक भक्त के लिए बोले आपको क्या चाहिए? तो मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, भक्त की इच्छा भगवत धाम जाना यह इच्छा नहीं है, कृष्ण प्रेम पाना यह इच्छा नहीं है। कृष्ण प्रेम का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? साइड इफेक्ट क्या है कृष्ण प्रेम का? तो मैं लास्ट कथा में बता रहा था, कहाँ? रविनंदन प्रभु के घर पर। मैं कह रहा था ना, चैतन्य महाप्रभु ने उसका साइड इफेक्ट बताया कि कृष्ण प्रेम का साइड इफेक्ट क्या होगा। बोले इफेक्ट होगा न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश काम ये। आगे कौन बताएगा? यस, कामना मैया बताएंगी। जितने भी जन्म हो बस आपका ही भजन गाऊं। क्या? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। आगे कौन बताएगा? यस, मम जन्मनीश्वरी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतुकी भवतात भक्ति अहेतुकी। हेतुकी मम मने जन्मनेश्वरे, मैं जन्म जन्मांतर तक, हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर तक सदैव आपकी अहेतुकी कृपा से आपकी सेवा में लगा रहूं। यह कृष्ण प्रेम का साइड इफेक्ट। भौतिक प्रेम का साइड इफेक्ट कंगाली, डिप्रेशन, सुसाइड, या फिर किसी प्रकार के नशे में लग जाना, अवैध संग करना, नशा कर लेना, अथवा भौतिक इंद्रियों की तृप्ति न होने पर इच्छाओं की पूर्ति न होने पर क्या होता है? जब व्यक्ति विषयों से आसक्त तो होता है, सबसे पहले विषयों का चिंतन करता है, फिर आसक्त होता है, फिर मोह उत्पन्न हो जाता है, सबसे पहले काम उत्पन्न होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सबसे पहले विषयों का क्या करता है? चिंतन करता है। उस चिंतन से उस विषय में क्या हो जाती है? आसक्ति आ जाती है। जब उस विषय में आसक्ति आती है तो आसक्ति के कारण वह कौन से स्टेप में आगे बढ़ता है?
जैसे ही आसक्ति आई तो उस आसक्ति के कारण उसके जीवन में काम का प्राकट्य होता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है तो वह चीजों को भ्रमित कर देता है, मोहित हो जाता है, इसलिए उसको मोह कहते हैं। मोह में कुछ भी पता नहीं चलता। जब मोह होता है तो मोह से उसकी स्मृति विभ्रम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जब स्मृति विभ्रम होती है वह किसी को कुछ समझ नहीं पाता, उसे कुछ चीजें याद नहीं रहती, या इसको पागल कह सकते हैं, वह पागल हो जाता है। पागल व्यक्ति के पास बुद्धि कहाँ होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नहीं, जब मन कंट्रोल में नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह 6 श्रेणियां, ये 6 श्रेणियां, मैं बार बार एक ही श्लोक में घूम फिर कर वापस आता हूं। इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, हम लोगों के लिए। ओके, तो मैं अभी साइड इफेक्ट बता रहा था कि भक्तों को यही बात यहां पर शिला प्रपात फिर से तात्पर्य में लिख रहे हैं। शिला प्रपात कहते हैं कि एक भक्त समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति उठा सकता है, पूर्ण शांति उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। वे मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते। कई बार ऐसा लगता है कि भक्त लोग भी, प्रभु जी हम भी तो बोलते हैं ना, हमारा परम लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम को लौट जाना। भगवान के धाम इसलिए लौट जाना क्योंकि यहाँ पर हम सेवा नहीं कर पाते। उसका साइड इफेक्ट भी क्या है कि हम जाकर भगवान की वहां पूर्णतः सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्य भगवान के धाम जाना नहीं है, लक्ष्य है जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा करना। इसलिए सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना, भगवान की सेवा करना, ये एक भक्त का जीवन का मूल ध्येय है। अब यदि कोई व्यक्ति भक्त न हो तो वह मुक्ति की कामना करेगा, वह सुख की कामना करेगा, चाहे वह कर्मी ही हो, योगी हो, सिद्धि हो, कोई भी हो, ये समस्त लोग, ये सारे लोग अपनी इच्छाओं के पूरा न होने पर हमेशा दुखी बने रहते हैं। ब्रेक कहाँ लग जाएगा यदि कोई विषय का चिंतन करे, विषय का चिंतन करें, उसमें आसक्त हो, आसक्त होंगे, अगर काम पूरा हो जाए तो यहीं पर लाइन ब्रेक हो जाएगी। समझे मैं क्या बोला? क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब विषय इच्छा पूरी नहीं होती। विषय इच्छा पूरी हो जाए तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? गृह में क्लेश कब होता है? घरों में क्लेश तब होता है जब पति पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करती, अथवा पत्नी पति की इच्छा पूरी नहीं करते। तो ये गृह में क्लेश हो जाता है। अगर दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को संतुष्ट कर दें तो दोनों का संबंध मधुर बना रहता है। तो इसलिए इस संसार में इच्छाएं आज पूरी हो जाती हैं, कल पूरी नहीं होंगी। कल पूरी हो जाए, परसों पूरी नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण परम दुखी रहता है। अच्छी बात है भाई, दुखालय में दुखी रहेगा, किंतु चूंकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसने अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दिया। अब भगवान की सेवा इतनी है कि उसकी इच्छा जितनी चाहती वो उतना कर ले। मतलब सोचिए, किसी के पास वो बोले, भगवान मैं आपकी सेवा है तो ना दान करना चाहता हूं इतना जिससे मुझे सुख मिल जाए। भगवान बोले ओके, मेरा भंडार खुला है, कितना दे सकते हो?
इतना मतलब आप देते देते कल प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद के पिताजी कहते हैं ना गौर मोहन डे कि भगवान के 10 हाथ हैं, तुम 2 हाथ से कितना दोगे कि वो अपने 10 हाथ से नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? तो 10 हाथ से प्रभुपाद गौर मोहन डे कहते हैं भगवान लेते लेते नहीं थकेंगे, और जब भगवान देना चाहेंगे अपने 10 हाथों से तो तुम 2 हाथ से कितना लोगे। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट प्रभुपाद लीलामृत में उनके पिताजी ऐसे समझाया करते थे अपने बेटे को, राइट? तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह अपनी द्वारा किए गए भगवत सेवा से पूर्णतः सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सेवा की कोई लिमिटेशन नहीं है, खूब सेवा है, हर चीज की सेवा है। कितनी सेवा करेंगे? आंखों से, कानों से, जिह्वा से, नाक से, हाथ से, पैर से, शरीर से, पेट से, जितनी सेवा करनी चाहिए, सेवा खत्म नहीं होने वाली। भगवान की सेवा भगवान की तरह ही अनंत है, उनके नाम की तरह, उनकी लीला की तरह, उनकी गुण की तरह यह सेवा भी अनंत है। इसलिए एक भक्त तथा कथित मोक्ष की भी कामना नहीं करता। एक कामना हमारे सामने बैठी हुई है, एक कामना हम सबके हृदय में, क्या? भगवान की सेवा की, है ना? तो सामने वाली कामना में या की इच्छा कोई मत करना, माया का प्रतिरूप है ना, भयंकर डेंजरस, क्योंकि ये किसी की नहीं हो सकती। कामनाएं रोज बढ़ती हैं, समझ में आया? तो एक ही कामना, यदि कामना भौतिक दृष्टि से हो तो आपके लिए खतरनाक है, लेकिन यदि कामना आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवत सेवा की है तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। और उसके बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, उसके बढ़ने से व्यक्ति, जितनी उसकी आध्यात्मिक इच्छा बढ़ेगी, आध्यात्मिक कामनाएं बढ़ेंगी, वह उतना सुखी होता जाए। क्यों? क्योंकि वह दुखालय से सुखालय की ओर बढ़ रहा है ना। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत होते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह। अच्छा, ये तो 2 लाइन का है, मैं इसको 4 लाइन में गा रहा हूं। विहाय कामान्य सर्वान पुमान निहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निःप्रिय निर्ममो निरंकारः सशान्तिं धिगच्छति। अच्छा, आप लोगों ने देखा, मैंने पढ़ने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं की, मैंने बहुत संयम से पहले ना श्लोक को देखा, समझा कि यह कहाँ से टूटेगा, कैसे यह जिस एसेंट में हम कहने चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसमें कैसे सेट होगा, तब मैंने पढ़ा। गलती हो गई तो भी मैं रुका। तो इसलिए संस्कृत को पढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से सोच समझ कर पढ़ा जाए, है ना? जब भी आप पढ़ें तो आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःप्रियः
निर्ममो निरंकार स शांतिम धि गच्छति। वंस अगेन, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह, निर्ममो निरंकारः स शांतिम धि गच्छति। वंस अगेन, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह, निर्ममो निरंकारः स शांतिम धि गच्छति। कृपया पढ़िए कोई भी श्लोक नंबर 71। विहाय काम न्य सर्वा पुमा शरित निष्प्रह निर्ममो निरंकारा सा शांति मत्ति गच्छति। सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, पूर्णचंद माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। विहाय कामान्या शर्वाणि पुमान् चरिता चरितनिस्पृहा निर्ममो निरंकारा सा शांति अधिगच्छति। जय जय, बहुत बढ़िया। यस, कामना मैया। विहाय कामान्या यह सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममः निरंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। बढ़िया। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहः निर्ममः निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। सुंदर। यस, रविरंजन प्रभु। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिं धि गच्छति। यस, ललिता प्रियमिया। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विहाय कामान्य सर्वान् पुमां सचरति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण। थैंक यू। सुंदर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विहाय छोड़कर कामान इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरति चरता है रहता है, निष्प्रिय इच्छा रहित निर्मम ममता रहित निरहंकार अहंकार शून्य सह वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, हो सकता है पहला वाला पार्ट, जो व्यक्ति इंद्रियों की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, हो सकता है आप सबने अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्याग दिया हो अथवा रोक दिया हो। पहला पार्ट, ओके। जो इच्छाओं से रहित है, अब इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग करना अलग बात है और इच्छाओं से रहित होना अलग बात है। इच्छाएं तो हैं, किंतु
इच्छाएं तो हैं किंतु बस हम क्या नहीं कर रहे हैं। हम उसे भोग नहीं रहे, अपनी इच्छाओं की जबरदस्ती पूर्ति नहीं कर रहे। जिसने अपनी सारी ममता त्याग दी है, जिसने अपनी सारी ममता त्याग दी है, निर्मम। कई बार ऐसा लगता है भगवान चाहते क्या है, आप हमें निर्दयी क्यों बनाना चाहते हैं, ममताहीन क्यों बनाना चाहते हैं। नहीं, भगवान ममताहीन कहने का तात्पर्य अन्य से शरीर भौतिक रूप से व्यक्ति जब आसक्त तो होता है तो वह उसके लिए क्या बन जाता है, उसके लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। शिल प्रभुपाद इंग्लिश में इसका अनुवाद करते हैं और कहते हैं, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, तो हम जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी ममता को त्याग, मतलब कई बार लोग अपने ममता के कारण, अच्छा आपने देखा है एक दुकान के, किसी भी दुकान का नाम के नीचे लिखा होता प्रो डॉट नाम समथिंग समथिंग समथिंग, नहीं देखा आपने किसी दुकान में? यस, परीक्षित प्रभु ने, क्या मतलब होता है उस प्रो का? हिंदी में कर्ता प्रोप्राइटर होता है, उसका संयोजक है वो, करने वाला। करने वाला, कर्ता, संयोजक, प्रोप्रिएटर है। अब यहां पर प्रोप्रिएटरशिप का मतलब क्या हो गया? प्रोप्रिएटर मतलब कर्ता, प्रोप्रिएटरशिप मतलब करने की इच्छा, प्रयोजन करने की इच्छा, उसको भरने की इच्छा, उसको फॉलो करने की इच्छा। समझ में आया प्रोप्रिएटरशिप का मतलब क्या हो गया? तो विदाउट प्रोप्रिएटरशिप का मतलब क्या हो गया कि उस चीज को करने की इच्छा। और यहां पर शिला प्रपात क्या कह रहे हैं, विदाउट अ सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, मतलब ममता रहित, निर्मम। मतलब अगर मैं वहां पर लिखूं, अगर वो प्रोप्रिएटर है, मतलब दुकान के डूब जाने पर भी उसको कोई परेशानी न हो। समझ में आया? वो उसका प्रोप्रिएटर है, संयोजक है। अभी कह रहे हैं अपनी संयोजक की भूमिका निभाने से रहित तो होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जब जीवन में, भक्ति में जीवन में श्रील प्रभुपाद आगे बढ़ने लगे तो अचानक उनकी मेडिसिन कंपनी, उनकी दवाई की जो कंपनी थी वह डूब गई, वहां आग लग गया, भारी नुकसान हो गया। क्यों? श्रीला प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी, इतना भी विचलित नहीं हुए। हमारे यहां होता तो हाय हाय मच जाता, प्रभु जी क्या करूं, मैं तो डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। प्रभुपाद बोले, ओ ये आपने मुझ पर कृपा की है, मुझे नहीं पता था आप मुझ पर ऐसे कृपा करते, भगवान से कह रहे। अभी हम आगे आगे जब प्रभुपाद लीलामृत में आगे बढ़ेंगे तो आपको यह इंसिडेंस भी बड़े विस्तार से सुनने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं निर्मम। समझ में आया निर्मम का मतलब? ममता से कैसे अलग होना है? कई बार ममता शब्द आता है तो ऐसे माँ और बेटे को देखा जाता है, नहीं? यहां पर जो निर्मम शब्द है
वह आपके समस्त प्रकार की इच्छाओं से है जिसके आप प्रो बने बैठे। समझ में आया किस किस चीज के प्रो हैं आप? तो घर के प्रो हैं आप, अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस के प्रो हैं आप, अपनी पत्नी के भी प्रो हैं आप, या अपने पति की पत्नियां जो है वो प्रो हैं, प्रोप्रिएटर। हर व्यक्ति, इसलिए मैंने ये शब्द चुना कि मेरे को लगा मुझे इसका मतलब समझाना चाहिए। कई बार लोग बहुत सिंपल, अच्छा सोचिए अगर ये श्लोक मैं इस तरह से नहीं कहता तो इसका अर्थ आप क्या निकालते? जो इच्छाओं से रहित हो, जिसने अपनी ममता त्याग दी है, क्या लगता है? ऐसा लगता है अपने बाल बच्चों को त्यागने की बात कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसका अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको क्या समझेंगे? ऐसा लगेगा कि ऐसा कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं अपनी ममता त्याग दो, मतलब अपने बाल बच्चे त्याग दो, अपने परिवार त्याग दो, इससे आगे वो नहीं निकल सकता। इसीलिए मैंने बताया कि प्रोप्रिएटर का मतलब क्या है। वो अपने आप को संयोजक मानता है, प्रयोजक मानता है, डायरेक्टर मानता है, जो कुछ भी मानता है। हाँ, तो उस ममता को त्यागने की बात की जा रही है। समझ में आया सबको? ओके, तो भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है कि यह मेरा है, मेरा वाला अहंकार उसके पास, यह मैं हूं और यह मेरा है, यह मैं और मेरा के चक्कर से निकल गया, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे भक्तों में, जिन जिन भक्तों के हृदय में दुख है, उसका एक ही कारण है, प्रभु जी मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने तो सबका बड़ा ध्यान रखा, क्यों? क्योंकि मेरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मुझे दुख। तो अभी तक इसका मतलब हम इस पड़ाव से आगे नहीं बढ़े, अभी भी यह अहंकार है कि मैंने किया, यह मेरे द्वारा किया गया, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा फ्री विल है। जब व्यक्ति इससे बाहर निकल जाता है तब वास्तविक शांति। ओके, भगवान आपकी इच्छा थी इसलिए आपने भेजा, आपकी इच्छा अब नहीं है इसलिए आप वापस ले गए, भगवान आपकी इच्छा थी इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था, अब लगता है आपको इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं अब यह कार्य नहीं कर रहा। सब कुछ भगवान की इच्छा जानकर करना चाहिए, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होगी। जहां भी लेस मात्र भी आपकी इच्छा उसमें घुसी तो आप जीवन में शांत नहीं रहेंगे, बल्कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, यदि आपकी इच्छा है तो। इसलिए मैं और मेरा की भावना से बाहर निकालिए, कृष्ण इच्छा, भगवत इच्छा को जानिए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसके तात्पर्य को कल पूरा करेंगे। पढ़ूं क्या? चलिए इसे पूरा कर लेते हैं कल, अपन अंतिम श्लोक के साथ पूरे श्रीमद् भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो इसलिए कंक्लूजन के, इस चैप्टर के कंक्लूजन के दो दो पांच पांच पॉइंट आप सब भी बताइएगा। ठीक है, आप सब भी दो दो चार चार पांच पांच पॉइंट बताइएगा ताकि समझ में आ सके ना कि हमने यहाँ पर सीखा क्या इस सेकेंड चैप्टर से। इसके कंक्लूजन को बताइएगा। सबसे पहला, पहले लाइन का अंतिम शब्द है निष्प्रिय, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। निष्प्रिय होने का मतलब है, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं,
कौन सा, आसक्ति पर एक एग्जाम्पल देता हूं, एक लाइन कहता हूं, क्या आसक्ति ही आसक्ति को काटती है, क्या आसक्ति ही आसक्ति को काटती है। ये देखिए, ये है प्रभु जी का कप, है ना, कृपया इससे दूर रहें। अब देखिए इसमें जितना, अभी देखिए इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, इसके अंदर थोड़ा सा कृष्ण प्रेम है, या थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति है। तो इसीलिए बाकी जो भाग है यह कितना भरा है या खाली है, यह मग खाली है, राइट? नहीं, यह पूर्णतः भरा हुआ है। यह नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो जल है, वह भगवत इच्छा या भगवत प्रेम है, आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान की सेवा की इच्छा है, भगवान के प्रति आसक्ति है। और जो ऊपर वाला, जो हवा वाला भाग है, वह भौतिक इच्छाओं वाली आसक्ति है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है। अब मैं इसके अंदर जितना पानी डालते जाऊंगा, अर्थात मैं जितनी भगवान की इच्छाओं के अनुरूप इसमें आगे बढ़ता जाऊंगा, उतनी ही हवा बाहर निकलती जाएगी, भौतिक इच्छा। आध्यात्मिक इच्छा बढ़ने के साथ साथ भौतिक इच्छा कम होती जाएगी। तो इसलिए अपनी आध्यात्मिक इच्छा को इतना बढ़ा लीजिए कि भौतिक इच्छा पूर्णतः खत्म हो जाए। आध्यात्मिक इच्छा पूरी भरी हो तो वहां पर भौतिक इच्छा की कोई जगह नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे इसमें से कॉकरोच निकल रहा, बताइए, वो भी भगवत गीता सुनने आए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। मतलब कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा बढ़ाइए और अपने आप को भौतिक इच्छा से फ्री करना चाहिए। समझ में आया? इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। कौन व्यक्ति कृष्ण? हम सब कृष्ण भावनामृत में हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत की सिद्धि यह है कि सबसे पहले इस शरीर को देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना, अपने आपको संसार की किसी भी वस्तु का स्वामी न मानना, यह जानना कि संसार के प्रत्येक वस्तु के स्वामी श्री कृष्ण हैं, और मैं, मेरा स्वरूप भगवान की नित्य सेवा करना, यही मेरी यथार्थ जगह है। अपनी यथार्थ स्थिति जान लेना, यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है, यही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो आप सब कृष्ण भावनामृत में सिद्ध योगी तो होना ही चाहते होंगे। कितने लोग कृष्ण भावनामृत में सिद्ध होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते? सब लग रहा है मैंने जोक मारा है। जोक नहीं मारा है भाई, सीरियसली पूछ रहा हूं। कृष्ण भावनामृत में कितने लोग सिद्ध होना चाहते हैं? तो सभी को कृष्ण भावनामृत में सिद्ध होना चाहिए। चार के अलावा बाकी सब सो रहे हैं? नहीं, जीवन में, अच्छा पांचवे भी है, ओके ठीक है, बाकी सब सो जाइए। चार ही लोग सिद्ध हो पाएंगे, बाकी सब अगले जन्म में आकर सिद्ध होंगे। नहीं, बाकी सब क्या करें, जिसकी जैसी सोच, ऐसा वाला स्थिति है नहीं? ठीक है, तो भगवान के इस श्लोक का तात्पर्य देते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, चाहे वह आपके हाथ हो, आपके पैर हो,
अच्छा उस दिन मैं कह रहा था ना, एसेट का मतलब क्या है? एसेट मतलब संपत्ति। मैं कह रहा था मेरी संपत्ति, मेरे एसेट्स, मेरी संपत्ति। मेरा हाथ मेरा एसेट है, मेरी आंख मेरे एसेट्स हैं, मेरा सिर मेरा एसेट है, मेरा शरीर मेरा एसेट है, मेरी गाड़ी मेरा एसेट है, ये मेरी संपत्ति है, वस्तु नहीं। एसेट मतलब संपत्ति। तो अपने आप को भगवान का एसेट बना लेना, मैं भगवान की संपत्ति हूं, है ना? तो इस प्रकार अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु अर्जुन ने कहा, मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन किंतु कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूं तुम्हें युद्ध करना है। तो बोले, ओके, यदि आपकी इच्छा है, आपके लिए युद्ध करना है, तो मैं करूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे रोहिणी नंदन प्रभु कहते हैं, प्रभु जी इच्छा नहीं होती बिजनेस करने की। मैंने बोला, नहीं, जगन्नाथ जी चाहते हैं आप बिजनेस करो, आप अपना काम करो। तो कौन चाहता है? भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते। ओके, तो रोहिणी नंदन प्रभु ने बोला, ठीक है प्रभु जी, भगवान चाहते हैं तो मैं करूंगा। समझ में आ रोहिणी नंदन प्रभु? यह इच्छा आपकी नहीं है। किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा, वह कृष्ण के द्वारा दिए गए आदेशों को पूर्णतः पालन करेगा, उसकी इच्छा हो अथवा न हो। तो इसलिए भगवान की, आपके लिए कृष्ण भावना अमृत का मतलब क्या है? कि आप भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करो। इसलिए वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए करता है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। इच्छा शून्यता का मतलब है, सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, तो अब उसके जीवन का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु बदल जाता है। पहले केंद्र बिंदु मैं, मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा परिवार, यह हुआ करता था। और अब क्या होता है? अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कैसे जगन्नाथ जी को प्रसन्न करें, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे हम आगे बढ़ें। इस प्रकार से केवल और केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए व्यक्ति उनके इर्द गिर्द घूमता है। अभी केंद्र बिंदु कौन है? अभी केंद्र बिंदु हमारे जगन्नाथ जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। तो अब उनके लिए हम कार्य करेंगे, है ना? यही मूलतः इंद्रिय शून्यता है, इसी को हम कह सकते हैं क्या, यही इच्छा शून्यता है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि की इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की इच्छा क्या, दमन नहीं होता। खाना पहले भी बनता था, खाना आज भी बनता है, इच्छाओं का दमन नहीं होता। पहले भी आप इंजीनियर थे, आज भी आप इंजीनियर हैं, पहले भी आप बिजनेसमैन थे, आज भी आप बिजनेसमैन हैं, करिए सब कुछ, लेकिन अब इच्छा की तुष्टि किसकी? हमारे ठाकुर जी की, हमारे जगन्नाथ जी की। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति आसक्ति से अलग नहीं हो सकता। आसक्ति तो होगी ही, इच्छा तो होगी ही। कोई बोले, नहीं मुझे कोई इच्छा नहीं है, तो वो झूठा है, इच्छा शून्य नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के नियम तो पढ़े होंगे। हाँ, है ना? उसी तरह ये इच्छा संरक्षण के नियम है। इच्छा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती। इच्छा सदैव एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। समझ में आया? ये इच्छा संरक्षण का नियम है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, पता है ये श्लोक कहाँ का है? ईशोपनिषद का। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित
नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान का प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम कौन हैं। हम हैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक, और सेवक का काम है सेवा करना। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। किसी का प्रश्न? अच्छा सॉरी, प्रश्न है। ओके प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम भौतिक जगत में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, और कुछ कार्य में जैसे हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि भगवान की इच्छा को हम मतलब इसमें कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा है कि नहीं है? यदि उस कार्य से कृष्ण का फायदा हो रहा हो, जगन्नाथ जी का फायदा हो, तो ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फायदा आपका नहीं, फायदा कृष्ण का होना चाहिए। अगर कृष्ण की फायदा है तो कार्य कीजिए, नुकसान है तो मत कीजिए। प्रभु जी, जैसे हम कहीं, जैसे अब कहीं हमको बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें कैसे कृष्ण को फायदा होगा? जैसे क्या बोलूँ, मैं सपोज मेरे घर जा रहा हूँ कुछ करने के लिए, तो उसको कैसे रिलेट करें कि अब इसमें भगवान की इच्छा है कि नहीं, फायदा होगा नहीं होगा? या कहीं हम कथा सुनने जा रहे हैं सपोज करिए, तो उसमें कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं इसमें? कई तरह से रिलेट कर सकते हैं। घर जा रहे हैं ताकि आपका घर का माहौल सामान्य बना रहे, आपके घर के चारों तरफ कोई कलह ना हो, जिससे आप भक्ति और अच्छे से कर सके, व्यवस्था हो सके, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है घर में आप किसी भी प्रकार की घर चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने जा रहे हो, किसी प्रकार की लड़ाई चल रही उसे खत्म करने जा रहे हो, किसी को समझाने जा रहे हो, क्योंकि वह द्वंद्व यदि आप शांत न करें तो बार बार आपको फोन आएगा, आपको परेशानियां होंगी, चीजें होंगी। तो इस प्रकार से आप जब उसके लिए भी जा रहे हैं तो वह भी कृष्ण भावना में, तो वह भी आप भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए जा रहे हैं। यह भी भगवान की इच्छा है ताकि आप जीवन भर अच्छे से भक्ति कर सकें। कथा सुनने से हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है, तो जब आसक्ति बढ़ेगा तब मैं उनकी सेवा में और अच्छे से लगकर उनकी सेवा कर पाऊंगा। जब हम किसी विषय के बारे में और जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में और जानते हैं, तो मुझे उनके प्रति लगाव, उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है, उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है। इसलिए कथा सुनना भी भगवान की इच्छा है। यही भगवान की इच्छा है कि आप इसे सुने, जाने और समझें। और कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।